गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 9th, 10th एंड 11th। ओके, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश और आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ डिटरमिनर। ओके, तो डिटरमिनर की हम बात करने वाले हैं। डिटरमिनर के टॉपिक में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो डिटरमिनर्स के टॉपिक की हम बात करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, इसका जो मीनिंग होगा वो होगा निर्धारक शब्द। निर्धारक का मतलब निर्धारित करना, डिटरमाइन करना, ये तो आपको पता ही है। तो डिटरमिनर्स के नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो डिटरमिनर के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनर्स के इस टॉपिक में क्या है क्या नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जैसे जो 8th से 9th में प्रमोट होकर आए हो, उनके लिए टॉपिक नया हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमिनर के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, डिटरमिनर क्या होता है, ठीक है। दोज वर्ड्स, डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिए, दोज वर्ड्स विच कम्स, दोज वर्ड्स विच कम बिफोर बिफोर ए नाउन, विच वर्ड्स विच कम बिफोर ए नाउन एंड क्वालिफाई इट, एंड क्वालिफाई इट, क्वालिफाई इट। ध्यान रखना, ऐसे वर्ड्स जो हमेशा किससे पहले आए, नाउन से पहले आए और इसे क्वालिफाई करें, ठीक है ना। दीज वर्ड्स टेल अबाउट नंबर और क्वांटिटी ऑफ, दीज वर्ड्स टेल अबाउट नंबर और क्वांटिटी ऑफ द नाउन, ठीक है। तो ये नाउन की क्या बताते हैं, ये नाउन को यानी कि क्वालिफाई करते हैं, लेकिन क्वालिफाई किस बेस पर, यानी कि ध्यान रखना, इसमें नंबर और क्वांटिटी बताते हैं। क्या बताते हैं, नंबर और क्वांटिटी बताते हैं। चलो, अभी डेफिनेशन से अगर मालूम नहीं पड़ा तो हम बात करने वाले हैं कि जो डिटरमिनर्स हैं, ध्यान रखना, ये डिटरमिनर्स जो हैं वो किससे पहले यूज होगा, नाउन से पहले यूज होगा। किससे पहले यूज होगा, नाउन से पहले यूज होगा। और नाउन से पहले, ध्यान रखना, नाउन से पहले तो यूज होगा। अब ये भले ही ये नाउन, चाहे हम सिंगुलर की बात करें चाहे प्लूरल की बात करें, ओके, चाहे नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, हम बात कर रहे हैं कि ये डिटरमिनर्स जो है किसका रोल प्ले करेंगे, तो बात ध्यान रखिए, ओके। तो अब ये डिटरमिनर्स क्या बताएंगे, तो ध्यान रखना, ये डिटरमिनर्स जो हैं वो हमें नंबर के बारे में बताएंगे, किसके नंबर, ये जो नाउन है चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, इसके नंबर के बारे में या फिर इसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो या इसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, तो नंबर और क्वांटिटी के बारे में बताने का काम कौन करेगा, डिटरमिनर्स वर्क करेंगे। और यहाँ पर नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, इसको नोट आगे कर लेना भली, ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, ठीक है। और नंबर और क्वालिटी क्वांटिटी बताने का काम कौन करेंगे, डिटरमिनर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा सम वाटर, अब यहाँ पर ये जो सम है, नोट कर सकते हो, ये वाटर है, और वाटर क्या है, अपने आप में नाउन है, यहाँ पे सम का यूज़ किया। इस वाटर के बारे में क्या बता रहा है, इसकी क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, इसकी क्वांटिटी बता रहा है। इट मींस क्वांटिटी या नंबर को बताने वाले वर्ड क्या होंगे, डिटरमिनर। तो यहाँ पर ये सम क्या है, डिटरमिनर है, ये क्या है, डिटरमिनर है, ध्यान रखना। तो ये सम क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कहा ए फ्यू बर्ड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, तो बर्ड्स क्या है, नाउन है, बर्ड्स क्या है, नाउन है। और यहाँ पर फ्यू, ध्यान रखना, बर्ड्स कितने, ए फ्यू, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इसकी नंबर, यानी कि क्या बता रहा है, नंबर के बारे में बता रहा है। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डिटरमिनर है उसका काम क्या है, किसी भी नाउन को, यानी कि नाउन से पहले आएगा, नाउन से जस्ट पहले आएगा,
और नाउन की नंबर और क्वांटिटी के बारे में बता देगा। नाउन के नंबर और क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि ये कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है, ठीक है। तो उसके बारे में बताने का काम कौन करेगा, ये डिटरमिनर वर्ड करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये या तो नंबर के बेस पर या क्वांटिटी के बेस पर, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके ठीक है, तो यहां पर ये आपको समझ में आया होगा। अब बात कर रहे हैं जैसे नंबर के बारे में बात की हमने, ये सर नंबर है, ये क्या नंबर हमेशा काउंटेबल होंगे, ध्यान रखना ये नंबर जो है काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। नंबर काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, ना काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें ये नंबर जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के बारे में बता देगा, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल। और इसके अलावा हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखना, क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखना इस बात के बारे में, क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा किस में होगी, अनकाउंटेबल, किस में होगी, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल होगी। कैसी होगी, अनकाउंटेबल, यानी कि जिसको गिना ना जा सके। अब यहाँ पर हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल ध्यान रखना, ये पता लग गया हमें कि क्वांटिटी अनकाउंटेबल के बारे में बता सकता है, क्वांटिटी अनकाउंटेबल हो सकती है और नंबर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, काउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गिनती की जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गिनती नहीं की जा सके, ठीक है। तो ये अंतर होता है इसमें, ठीक है। तो नंबर और क्वांटिटी का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, तो इस बारे में ध्यान रखना। अब बात आई कि ये काउंटेबल जो है ये सिंगुलर भी हो सकता है अगर मैं गिनूंगा तो, और यहाँ पर ये प्लूरल भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अनकाउंटेबल में सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। बात करें कि जैसे नंबर आएगा, जैसे सम है, सम आप क्या मानते हो, प्लूरल मानते हो, ध्यान रखना। अगर सम के साथ सपोज करो वाटर जुड़ा हुआ है, तो सम के साथ जो वाटर है, वाटर तो सिंगुलर है, नाउन है, नाउन है, लेकिन नाउन कैसा है, सिंगुलर है। लेकिन अब क्या मैं इसको प्लूरल कहूंगा, नहीं, अब मैं इसको क्या कहूंगा, सिंगुलर है, क्या कहूंगा, सिंगुलर है। तो अगर मैंने कहा सम पेंस, अब यहां जैसे सम है आप प्लूरल मान रहे हो ये, लेकिन नाउन डिपेंड करता है, नाउन क्या है, प्लूरल, तो इसको भी क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तो बात ध्यान रखें, यहां पे हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल का काम किस में होता है, हमेशा सिंगुलर में होता है, किस में होता है, सिंगुलर में होता है, होता है कि नहीं होता, ध्यान रखना। अब इसके अलावा देखो मैनी बर्ड्स, यहां पर ये क्या है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल, तो इसको भी हम क्या मान के चलेंगे, प्लूरल मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, प्लूरल मान के चलेंगे, बर्ड्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इस बारे में आप ध्यान रखना, नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसी के हिसाब से डिटरमिनर भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। डिटरमिनर भी नाउन के अकॉर्डिंग ही अपना रोल प्ले करेगा, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, केवल आप इसको समझें। तो ये बात ध्यान रखें। अब बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स की, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स की बात करने वाले हैं कि डिटरमिनर्स के कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है। तो हम बात करें डिटरमिनर्स के टाइप के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्टिकल डिटरमिनर्स के बारे में, और आर्टिकल डिटरमिनर्स के बारे में तो सभी को पता होगा, अब तक पढ़ते भी आए होंगे कि आर्टिकल डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना, एक का यूज पढ़ा होगा आपने, इसके अलावा एन, एक का यूज, इसके अलावा एन का यूज और द का यूज, ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये आर्टिकल डिटरमिनर के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें पजेसिव डिटरमिनर्स की, तो पजेसिव डिटरमिनर्स कौन से पढ़ने वाले हैं, नंबर एक डाल लेना, ठीक है। पजेसिव डिटरमिनर्स की हम बात कर रहे हैं,
पजेसिव डिटरमिनस, तो पजेसिव डिटरमिनस में देख सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द पजेसिव डिटरमिनस। तो पजेसिव डिटरमिनस के बारे में बात करें, जैसे माय है, ठीक है, योर है, आर है, ठीक है, इसके अलावा हिज है, हर है, ठीक है, इसके अलावा देयर है, इसके अलावा इट्स है, ठीक है, ये सब क्या है, ये पजेसिव डिटरमिनस में आते हैं। किस में आते हैं? पजेसिव डिटरमिनस में आते हैं। ऑन भी आ जाता है कई बार, ठीक है, तो ये पजेसिव डिटरमिनस के अंदर कंप्लीट होते हैं या इसके अंदर कंबाइंड किए जाते हैं, ठीक है। अगली बात आती है कि आर्टिकल हो गया, पजेसिव डिटरमिनर हो गया, हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की। किसकी बात कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में बात करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कौन कौन से हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में देखें तो यहाँ ध्यान रखना, दिस है, दैट है, ठीक है, तो यहाँ हमने बात की दिस की, दैट की, इसके अलावा दीज और दोज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है। इसके अलावा हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, तो इसके बारे में भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा 10th वालों ने, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में बात करें तो इसमें ईच की बात करेंगे, ईच, एवरी और आइदर, नाइदर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सच भी हो जाता है, ठीक है, तो सच भी यूज होता है, सच। तो यहाँ पर ये किसके रूप में काम आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर के रूप में। अब बात करने वाले हैं, और हमारे पास ध्यान रखना क्वांटिफायर डिटरमिनर्स होते हैं, क्वांटिफायर डिटरमिनर्स। अब क्वांटिफायर डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्वांटिफायर में हम बात करते हैं सम की, एनी की बात कर लेते हैं, ठीक है, मैनी की बात कर लेते हैं, मच की बात कर लेते हैं, मैनी ए आ गया, ठीक है, मैनी ए है। इसके अलावा वेरियस है, सेवल है, ठीक है, वेरियस है, सेवल है। इसके अलावा बात करें जैसे फ्यू के अंदर आ गया, ए फ्यू आ गया, इस तरीके से द फ्यू आ गया, ठीक है, इसी तरीके से लिटिल का होता है, ए लिटिल का होता है, द लिटिल का होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं जितने भी कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर होते हैं हमारे पास, कार्डिनल नंबर, ठीक है, एंड ऑर्डिनल नंबर की बात करें, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। इसके अलावा हमारे पास जैसे ऑल है, ठीक है, ऑल आ गया। तो इस तरीके के जो भी हमारे पास डिटरमिनर होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स में आते हैं। नाम से ही पता लग रहा होगा, आर्टिकल, पजेसिव, जो अपने आप में क्या बताए, अधिकार बताए। डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें संकेत के बारे में, यानी कि दूरी के बारे में बताएं। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें, ठीक है, और क्वांटिफायर की बात करें तो लगभग नाम से ही पता लग जाता है। इसके अलावा हम बात करें इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स की बात कर रहे हैं। इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स के अंदर बात करें तो हम उन डब्ल्यू एच वर्ड की बात करने वाले हैं जिनके साथ नाउन ऐड होता है, जैसे वाट है, वाट के साथ नाउन ऐड होता है। इसके अलावा विच, विच के साथ नाउन आ सकता है, और इसके अलावा हुज, इसके साथ भी नाउन का यूज होता है। इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स हैं। ओके, तो आप जो है इनको नोट कर लेना कि आपके पास जो है डिटरमिनर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स हमारे पास दिए हुए हैं, और इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे वीडियोज़ में, ठीक है। और जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम वन बाय वन इनके बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें इनका एप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन चूज़ करना है, एक एप्रोप्रिएट डिटरमिनर का सिलेक्शन कैसे करना है। तो उसके बारे में हम एक एक पॉइंट के ऊपर जो है आपसे डिस्कस करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम बात करेंगे
एंड नेक्स्ट वीडियो में इनके एनालिसिस की एक एक करके हम इनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर इनका प्रॉपर यूज होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और साथ में अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखिए। गुड बाय, थैंक यू। Thank you.